जैसे ही चेतन और वीर सिंह ने नित्या देवी से मृत्युंजय नाम सुना तो वो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। तभी चेतन बोला, आप साफ साफ बताइए कि ये मृत्युंजय है क्या, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब नित्या देवी मुस्कुराते हुए बोली, आप यहाँ समय बर्बाद करने की बजाय घर जाइए और उस अनंत पुस्तक को खंगालिए। मुझे विश्वास है वो किताब अपने धारक को निराश नहीं करेगी। उस किताब का नाम मृत्युंजय क्यों होगा इसका अर्थ भी उसी में मिलेगा। मैं चाहूँ तो इसका अर्थ बता सकती हूँ, लेकिन मेरा गणित कहता है ये काम किस्मत सिर्फ आपसे ही करवाना चाहती है। ये सुनते ही वीर सिंह बोला, लेकिन देवी जी हमारे पास इतना समय नहीं है, हमारी बेटी उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तब नित्या देवी मुस्कुराकर बोली, चलिए ठीक है मैं बताती हूँ, मृत्युंजय नाम होगा उस जीवित कवच का, जाकर ढूंढिए उसे और ले आइए उसे अपनी बेटी की जिंदगी में। इतना कहते हुए नित्या देवी मुड़ी और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, मेरे ख्याल से आप लोगों का इतना जानना काफी होगा, और हाँ ये लीजिए अभिमंत्रित धागा, ये उस लॉकेट के जितना शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन जब तक आप कवच ढूंढेंगे तब तक आपकी बेटी की रक्षा करता रहेगा। ये धागा उसके हाथ से टूट कर गिर जाए उससे पहले उसका कवच ले आइए। इतना कहते हुए उन्होंने एक काला धागा चेतन के हाथ में थमा दिया और वहां से निकलने लगी। चेतन, गौतम और वीर सिंह अभी वहीं कमरे में खड़े थे। नित्या देवी के जाते ही कमरे से बाहर आते हुए वीर सिंह बोला, लेकिन चेतन उस किताब को हमारे पास रखे इतने वर्ष बीत गए, कभी ऐसा नहीं लगा कि वो किताब। कहते हुए वीर सिंह रुका तो चेतन तुरंत बोला कि वो किताब हमारे कोई काम आ सकती है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि गौतम इन सब बातों से पूरी तरह कंफ्यूज होते हुए बोला, अरे लेकिन ये किताब है क्या, क्या इम्पोर्टेंस है उस किताब की। तब चेतन ने एक तरह के रहस्यमय अंदाज में कहा, वो तुम्हें अब घर चलकर ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले मुझे इस किताब के बारे में और जानना है, और ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी मुझे बता सकता है। चेतन की बात सुन वीर सिंह ने फौरन कहा, मैं जानता हूँ वो कौन है, एकमात्र कालदूत ही है जो सही जानकारी हमें दे पाएगा। वीर सिंह की बात सुन चेतन ने एक पल उसकी ओर देखकर कहा, वीर सिंह चलो हमें निकलना चाहिए, सुबह होने वाली है, हमें कई सारे काम देखने हैं। इतना कहते हुए सभी एक साथ कार में सवार होकर सभी साथ घर की ओर निकल गए। जैसे ही सभी घर पहुंचे तो उबासी लेते हुए गोमती ने दरवाजा खोला। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। वीर सिंह उसकी सूझी हुई आंखें देखते हुए बोला, क्या हुआ गोमती जी, आप सोई नहीं क्या। लेकिन गोमती मुंह घुमाते हुए बोली, आप लोग भीतर आ जाइए। ये सुनकर चेतन को थोड़ा अजीब लगा। जैसे ही सभी अपने कमरे में पहुंचे, गौतम और चेतन दोनों अपने अपने कमरों की हालत देखकर हैरान हो गए। हैरानी के साथ जब गौतम और चेतन ने बाहर आकर गोमती को आवाज लगाई तब गोमती उबासी लेते हुए थकी हालत में बोली, शायद अब आपको मेरी परेशानी की वजह समझ में आ गई। गोमती का इतना कहना ही था कि तीनों लोग समझ गए कि ये कामला तका का है। तब चेतन बिल्कुल धीमी आवाज में बोला, लेकिन आखिर उसने ये सब क्यों किया, आपको कुछ समझ नहीं आया क्या। तब गोमती कुछ सोचते हुए बोली, भैया मैं पूरे यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन ऐसा लगता है कि लतिका कोई चीज ढूंढ रही थी, और तो और उसने। कहते हुए गोमती रुक गई और दोबारा बोली, खैर छोड़िए अभी आप लोगों को सोने की जरूरत है, आप लोग थके हुए लग रहे हैं। इतना सुनकर सभी लोग परेशानी के साथ अपने अपने कमरे में लौट गए। जैसे चेतन ने अपने कमरे की ओर जाते हुए लतिका के कमरे में झांक कर देखा तो वो भी पलंग पर सोई हुई थी। इसका सीधा सा अर्थ था कि उसने दोबारा चेतन के कमरे में अपने मतलब की चीज ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उसके हाथ कुछ न लग सका, और सभी के लौटने से पहले ही वो अपने कमरे में लौट आई थी। इधर चेतन कमरे के बाहर से ही लतिका को देख कर मन ही मन बोला, तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए बेटा। कहते हुए चेतन अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटा चेतन अब भी कभी लतिका की फिक्र तो कभी नित्या देवी की बात पर गौर कर रहा था। बीच बीच में उसे अजयराज पर भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन इसी जद्दोजहद में उलझे चेतन की कब आंख लगी उसे पता भी ना चल सका। करीब 3 से 4 घंटे सो लेने के बाद चेतन की जब नींद खुली तब तक आधा दिन चढ़ चुका था। चेतन के सिर में हल्का सा दर्द था, वो अपने सिर को पकड़कर उठते हुए बोला, पता नहीं ये दर्द क्यों होने लगा। चेतन ने जैसे ही बोलना बंद किया तब उसे पीछे से जवाब मिला, हो सकता है ये सिर दर्द तुम्हारे चिंता करने के कारण हो रहा हो, तुम्हें जरा कम सोचने की जरूरत है।
यह आवाज सुनते ही चेतन ने चौंक कर अपने पीछे देखा तो पाया कालदूत वहां खड़ा था। तब चेतन उसकी आवाज सुन घबरा कर बोला, ओह तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब कालदूत चेतन की ओर बढ़ते हुए अपनी भुएं चढ़ाते हुए बोला, अरे बड़े कमाल के आदमी हो, तुम ही तो मुझसे मिलने की इच्छा कर रहे थे ना? तब चेतन तुरंत ही बोला, ओ हाँ 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 मुझे अब याद आया। तब कालदूत बोला, तो कहो क्या समस्या है? तब चेतन उसे पकड़कर वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठाते हुए बोला, मुझे चित्रलेखा किताब के बारे में जानना है, ये अनंत पुस्तक का राज क्या है, मुझे अंदर की बात बताओ। तब कालदूत बोला, देखो चेतन, अगर सच कहूं तो तुम्हारे पूर्वज अरुणोदय सिंह ने इस किताब को तंत्र मंत्र से सजी एक ऐसी किताब पर लिखा था कि उसका कभी अंत नहीं किया जा सकता। जो भी उस किताब का मालिक होगा ये उसकी मदद हमेशा करेगी, लेकिन केवल ऐसी ही परेशानी पर ये किताब अपना रूप बदलती है जिसके बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं होती और ना ही जानकारी मिलने की कोई संभावना होती है, जैसे चित्रा के समय इस किताब ने तुम्हारी मदद की थी। इतना सब सुनकर चेतन तुरंत बोला, तो क्या लतिका के मामले में ये किताब वाकई मेरी मदद करेगी? तब कालदूत मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तुम्हें अपने पिता के ज्ञान पर भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता की शिष्या ने ही तुम्हें इसकी जरूरत महसूस करवाई है, इसलिए तुम्हें खुद उस किताब को चेक करना चाहिए। ये सुनकर चेतन बिना कुछ कहे कमरे से बाहर जाने को मुड़ गया, लेकिन फिर अचानक रुकते हुए बोला, 20 से 21 साल हो गए इस किताब को हमारे पास, लेकिन तुम्हें इतने सालों में एक बार भी नहीं लगा कि हमें ये सब बताना चाहिए? तब कालदूत तुरंत बोला, मुझे नहीं लगा, क्योंकि उस समय इस किताब से बड़ी समस्याएं तुम्हारे सामने थी। खैर अब मुझे जाना होगा, मैं लतिका से भी मिलता, लेकिन जब तक वो ठीक नहीं हो जाती वो मुझे देख नहीं पाएगी। इतना कहते हुए कालदूत वहां से चला गया। दूसरी तरफ जब गोमती वीर सिंह के लिए नाश्ता लेकर कमरे में आई, तभी वीर सिंह की भी नजर गोमती के गले पर पड़े खरोंच के निशान पर गई। तब वीर सिंह तुरंत ही चिंता भरी आवाज में बोला, गोमती जी, ये आपकी गर्दन पर चोट कैसी है? ये सुनते गोमती ने तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू से गर्दन को छिपाते हुए कहा, अरे नहीं कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। लेकिन वीर सिंह समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, वो तुरंत उठते हुए बोला, एक मिनट, ये निशान कल रात के बाद ही आपकी गर्दन पर पड़े हैं, और आप सुबह कुछ बताते बताते रह गई थी, इसका मतलब कल रात आपके और लतिका के बीच में कुछ हुआ है, सच सच बताइए कि आखिर बात क्या है? तब गोमती ने तुरंत ही कहा, इसमें लतिका की कोई गलती नहीं है, उसका दिमाग उसके काबू में बिल्कुल नहीं है। कहते हुए गोमती ने लतिका और उसके बीच हुई सारी घटना वीर सिंह को सुना दी। वीर सिंह सारी बातें सुनकर थोड़ा घबरा गया और हैरानी के साथ बोला, ये तो बहुत ही गंभीर मामला है, मुझे तुरंत चेतन से इस बारे में बात करनी चाहिए। तब गोमती तुरंत बोली, आपसे निवेदन है कि भैया को इस अंदाज में ना बताएं कि उन्हें बुरा लगे। तब वीर सिंह बिना कुछ खाए पिए ही कमरे से बाहर निकलते हुए बोला, चिंता ना करें, लतिका मेरी भी बेटी है, मुझे उसकी परवाह है। इतना कहकर वीर सिंह कमरे से बाहर आया ही था कि दूसरी ओर से चेतन भी उसके पास आकर बोला, अरे वीर सिंह, मेरी कालदूत से बात हो गई, उसने बताया कि आखिर क्या राज है उस किताब का, नाम और उसका इस्तेमाल कैसे करना है इसकी जानकारी हम जान गए हैं। इतना कहते हुए चेतन तुरंत बोला, फौरन मेरे साथ मेरे कमरे में आओ। ये सुनकर वीर सिंह चेतन को रोक कर बोला, चेतन हमें जो कुछ भी करना है वो तो सोच समझ कर ही करना होगा, क्योंकि लतिका की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है, कल रात तो उसने गोमती को। कहते हुए वीर सिंह ने सारी बातें खुलकर चेतन को सुनाई और बोला, हे भगवान, हमें जल्दी कुछ तो करना ही पड़ेगा। लतिका की चिंता में डूबे चेतन ने कहा, तो कहे ठीक है, आओ मेरे साथ, हम मिलकर उस किताब को देखकर इस समस्या का हल यहाँ ढूंढ कर ले आते हैं। ये सुनते ही वीर सिंह ने भी उदासी भरी आवाज में कहा, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। जब हॉल में खड़े वीर सिंह और चेतन ये बातें कर रहे थे, तभी लतिका ने उन्हें कमरे से छिप कर देखा और उनकी बात सुन ली। सारी बातें सुनने के बाद लतिका मन ही मन थोड़ा टेंशन लेते हुए बोली, आप लोगों को सेफ रखने के लिए मुझे ये करना ही होगा, वरना वो जो भी है वो आपको मार डालेगी, सॉरी पापा और मामा जी। कहते हुए लतिका भी झट से कमरे से बाहर आते हुए उनके कमरे की ओर चली गई, और उसने पहले ही दरवाजे पर ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि चेतन और वीर सिंह दरवाजा बंद ना कर पाए। इधर चेतन और वीर सिंह दोनों कमरे में आ गए। तब चेतन ने यहां वहां देखते हुए वीर सिंह से कहा, चलो चलकर उस मृत्युंजय के बारे में पता लगाते हैं।
इतना कहते हुए वो लोग सीधा अलमारी के पास चले आए। उधर लतिका भी दरवाजे के पास खड़े होकर अपने आप से बात करते हुए बोली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे पापा आप पर इस तरह से नजर रखनी होगी। मैं चाहती हूँ कि एक बार वो आवाज मेरे दिमाग से निकल जाए, मैं उसे उसका कलश लौटा दूंगी और बात खत्म हो जाएगी, सब बच जाएंगे। कहते हुए लतिका मन ही मन बड़बड़ा रही थी। जैसे ही लतिका ने दरवाजे को हल्का सा खोलकर झांकते हुए अंदर देखा तो चेतन और वीर सिंह दोनों अलमारी के पास खड़े हुए थे। तभी कमरे के बाहर खड़ी लतिका पर गौतम की नजर पड़ गई। वो उसे आवाज लगाते हुए बोला, लतिका अब कैसी है तबीयत तुम्हारी, जरा यहाँ आओ, कुछ देर बात करते हैं। तब लतिका उसकी ओर देखकर चिल्लाकर बोली, हाँ भाई मैं आती हूँ, बस एक मिनट। ये सुनकर गौतम कमरे की ओर जाते हुए बोला, ठीक है आते समय कॉफी लेते आना, मेरे मम्मी को कहा था वो तुम्हारे लिए बना देगी, मैं अपने कमरे में ही हूँ। तब लतिका ने धीरे से कहा, हाँ भाई मैं लाती हूँ। गौतम से हो रही बातों के कारण लतिका का ध्यान बढ़ गया, लेकिन जब अगले ही पल लतिका ने फिर कमरे में झांक कर देखा तो चेतन और वीर सिंह दोनों वहां उस कमरे में नहीं थे। ये देखते लतिका हैरान हो गई। वो तुरंत दरवाजा खोलकर कमरे में चली आई और उसने चारों ओर देखने पर पाया कि वहां कोई नहीं था। तभी लतिका ने अलमारी के पास आकर देखा तो अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था। क्या लतिका को अलमारी के पीछे छिपे उस कमरे का पता चल जाएगा? क्या लतिका जो ढूंढ रही है उसे हासिल हो सकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू का नया अध्याय।